स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मैसेज है बच्चों फारिग नहीं रहना, फारिग नहीं रहना। सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम इंग्लिश, क्लास नर्सरी सीनियर। पेज है हमारा आज का 21। नेम्स ऑफ लेटर्स, नेम ऑफ पिक्चर्स सीखेंगे। रीडिंग होगी, वर्ड्स मीनिंग, ट्रांसलेशन। रिटर्न होमवर्क में हम लेटर्स सीखेंगे, कैपिटल एस स्मॉल एस। स्टूडेंट्स अपनी बुक्स ओपन करें, पेज 21 निकाल लें। सबसे पहले बच्चों हम पिक्चर्स नेम सीखेंगे और अपनी तवज्जो अपने लेसन पे देंगे। फर्स्ट पिक्चर हमारे पास है जी आज सॉक। स्टूडेंट्स सॉक क्या है जी? सॉक। सॉक कहते हैं मोजा, मोजा। स्टूडेंट सॉक उर्दू में कहते हैं मोजा। नेक्स्ट देखते हैं शीप। स्टूडेंट्स शीप, शीप एक जानवर है जिसको उर्दू में हम कहते हैं भेड़, शीप। स्टूडेंट्स शीप, सॉक, शीप, सॉक, शीप। आज हम जो लेटर है वो सीखेंगे कैपिटल एस स्मॉल एस। आज हम लेटर सीखेंगे एस, कैपिटल एस स्मॉल एस। स्टूडेंट्स एस ए लेटर है। मेरी मदर से स्टूडेंट्स लेसन शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि जब मैं पढ़ा रही हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरी पेंसिल या मेरी स्टिक जो है वो लेटर के नीचे होती है, कि सबसे पहले आपने लेटर को गौर से देखना है और उसके नीचे अपनी फिंगर, पेंसिल या जो भी चीज़ है स्टिक आपने रखनी है, फिर उसके बाद आपने रीडिंग पढ़ना स्टार्ट करनी है। जब तक आप इसको गौर से नहीं देखेंगे आपको लेसन याद अच्छे तरीके से नहीं होगा। चले बच्चों अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एस स्मॉल एस, एस फॉर सॉक, एस फॉर सॉक, एस फॉर सॉक, एस फॉर शीप, एस फॉर शीप, एस फॉर शीप, एस फॉर शीप, एस फॉर सॉक, एस फॉर शीप, एस फॉर सॉक, एस फॉर शीप। स्टूडेंट्स ये हमने पिक्चर नेम भी सीख लिए, लेटर्स को भी हमने पढ़ लिया, कैपिटल एस स्मॉल एस को। अब हम वर्ड्स को स्पेलिंग से रीड करेंगे। बच्चों जब मैं स्पेलिंग से रीड करूंगी हर लेटर के नीचे मैं अपनी स्टिक रखती हूँ और फिर गौर से देखती हूँ और फिर आपको रीड करवाती हूँ। इसी तरह आपने हर लेटर को गौर से देखना है, स्टिक उसके नीचे रखनी है, फिर आपने अपना लेसन याद करना है। एस फॉर सॉक, एस
के सौ, एस फॉर शीप, एस एच डबल ई पी शी, एस फॉर शीप, एस एच डबल ई पी शी। यहां पर आप देख सकते हैं जब मैं स्पेलिंग से रीड करवा रही हूँ, लेटर के नीचे पहले मैं अपनी स्टिक को रखती हूँ, फिर मैं आप लोगों को रीड करवाती हूँ। इसी तरह आपने अपने लेसन को याद करना है। एस फॉर शीप, एस एच डबल ई पी शी। रिवाइज करते हैं लेसन। एस फॉर सॉक, एस ओ सी के सौ, एस फॉर शीप, एस एच डबल ई पी शी, एस फॉर सौ, एस ओ सी के सौ, एस फॉर शीप, एस एच डबल ई पी शी। स्टूडेंट्स, ये हमारा इंग्लिश का लेसन था। आपने जो मैंने तरीका बताया है उसी तरह ही अपने लेसन को याद करना है। अब हम अपना रिटर्न होमवर्क देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारी इंग्लिश की नोटबुक है। हमने बुक पर लेटर पढ़ा है एस, और हम आज रिटर्न वर्क भी करें लिखेंगे लेटर एस, कैपिटल एस स्मॉल एस। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना रिटर्न वर्क। कैपिटल एस बच्चों फर्स्ट थ्री लाइंस पर लिखा जाता है, फर्स्ट थ्री लाइंस पर लिखा जाता है। अब मैं आपको कैपिटल एस लिखना सिखाती हूं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन पर डॉट लगा हुआ है, आपने डॉट से स्टार्ट लेना है और फिर आपने एक सी बनाना है। सेकेंड लाइन तक एक सी बनाना है, दोबारा फिर आपने उसको नीचे की तरफ लाते हुए एक उल्टा सी बनाना है। स्टूडेंट्स, दोबारा बता देती हूं, फर्स्ट टू लाइन्स में आपने पहले सीधा सी बनाना है, सेकेंड लाइन से ही स्टार्ट लेते हुए फिर आपने सी का फेस दूसरी तरफ कर देना है, उल्टा सी जिसे कहते हैं। ये हमारा बन गया है कैपिटल एस। कैपिटल एस लिखने के लिए स्टूडेंट्स टू सी का इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट सी जो है हमने सीधा बनाना है, ऊपर की तरफ हमने सीधा सी बनाना है और फिर नीचे हमने एक उल्टा सी बना देना है। ये हमारा बन जाएगा एस, कैपिटल एस। अब हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे स्मॉल एस। स्टूडेंट, स्मॉल एस सेकेंड टू लाइन्स पर लिखा जाता है, डॉट आपके सामने मौजूद है, स्टार्ट लेना है आपने उसी तरह, डॉट से स्टार्ट करते हुए पहले आपने सीधा सी बनाना है, फिर आपने नीचे की तरफ उल्टा सी बना देना है। ये हमारा बन जाएगा स्मॉल एस। स्टूडेंट्स, स्मॉल एस।
शेप है वो सेम है। कैपिटल एस को हम फर्स्ट थ्री लाइंस में लिखेंगे और स्मॉल एस को हम सेकंड वाली टू लाइंस के अंदर लिखेंगे। बच्चों आपने रिटन वर्क की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नोटबुक को स्कूल में चेक भी करवा सकते हैं आप, क्लास नर्सरी सीनियर के स्टूडेंट्स। टाइमिंग जो है वो मेरी है 8 बजे से 9 बजे तक। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप आकर स्कूल में चेक करवा सकते हैं, टाइमिंग आपको बता दी गई है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।